तो दादी जाएगी घर 22 तारीख को, पूजा ही है। और पूजा ही में पहले कितना अच्छा सीन था यार, इस बार पूजा ही में बहुत वैसा सीन हो रखा है, कोई जा ही नहीं पा रहा, मतलब मैं भी नहीं जा पा रही और बुआ का भी मुश्किल है और अंकुल का तो मतलब नहीं जा पाएंगे वो भी, बस लड़के लबाड़े जा रहे हैं भाई लोग। फिर हमारे भाई लोग जाएंगे, बस दिशा दिशा कोई नहीं जा पा रही है, बस बड़ी बुआ जाएगी वहाँ, वो पता नहीं, नहीं बड़ी बुआ जाएगी नहीं, इस वजह से दूर होती तो फिर बुआ का मुश्किल ही था। ब्लॉग में बोल रही, ब्लॉग में ब्लॉग। और मेरा मुश्किल, मतलब मेरा तो नहीं जा पाऊंगी, पहले मेरा था प्लान बट बहुत ठंडा हो रहा है, इसकी तबीयत खराब हो जाती तो इस वजह से, क्योंकि अभी ये छोटा है ना, थोड़ा 3-4 महीने का भी होता ना तब तो हमने चले ही जाना था, बट अभी ये जस्ट 2-2.5 महीने का ही है तो फिर नहीं जा पा रहे हम भी। कोई दिशा बोलते हैं जिसको, मेन जो पूजा ही होती है ना उसमें दिशा कितने सालों बाद होती है दादा, दादी 15 साल बाद ना है, कब हुई थी पूजा ही हमारी, कब हुई थी पूजा, जब पापा रिटायर आए थे ना, उससे भी पहले जब पापा वो आरआर था कि आरआर था तो लगा लो 2007 में, तो मेरे पापा रिटायर आ गए 2007 में, उससे भी पहले मतलब 17-18 साल हो गए होंगे, है ना, 17-18 साल बाद हमें पूजा ही होती है, शिट हम जा ही नहीं पा रहे। वैसे इसमें तो दिशा का तुम्हें पता ही होगा, मतलब आप लोगों को पता ही होगा, इसमें दिशा का बड़ा मेन वो होता है कि मतलब बुलाते हैं ना दिशा जो होता है, दिशा मीन्स की जो बेटियां, मतलब जैसे हम हैं, हम वहाँ की बेटियां, हमारी शादी हो चुकी है तो अब उनके लिए मतलब दिशा बोलते हैं हम, फिर शादीशुदा जो लड़कियां होती है ना उनको दिशा बोलते हैं, जो शादीशुदा बेटियां होती है तो उनको बुलाया जाता है वहां से बेटियों को, उनके घर वालों को, तो उनका वो होता है, क्या क्या देते हैं, एक मिनट बता दी, सब पूछते हैं, मेरे मुँह में बोलते हैं दादी, क्या देते हैं, क्या दिशा बुलाते हैं, क्या बोलते, क्या देते हैं, दिशा भेट दी जी, दिशु तो दिशा दिशा भेट हुई वा, दिशा भेट लगाई ली हम भगवान जी दा अपुन देवता तही ता आशीर्वाद दिया ला तो वो तुम ता जरा फिर कुछ दिया ला भगवान देवता ने तो हम भी तुम ते तो वो तो हम तो मतलब बक्स होते हैं तभी मतलब भंडार अच्छा तब गा तब तुम तब अगला के न्यू टोन से टीका पिटा लगेगा तुम्हें, हां जब टीका पिटे लगाना तुम्हारे बन जाए दिन तुम ला जो वे दिन तुम था, ओए उड़ गया तू मला सागे भाई टीका पिटे लगा ची 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 छोटू उठ, अगर उसने सूसू नहीं करी हुई तो सूसू सूसू करा देना उसको, नीचे करा देना उसको, कर रखी तो इधर ला मैं करा दे मौका नहीं देता। हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, तो अभी सुबह 1:06 है और मेरा यहाँ झाड़ू लग रहा है क्योंकि ये अभी सोया है, 5:45 सोया है, अब तब तक इनका मतलब ये भी पहुँच गए तो फिर मैंने कहा चाय पी रहे, बोल हाँ, मैंने कहा हाँ बोल ही दिया तो चलो चाय ही बना देती, क्योंकि अभी मैंने चाची से सुबह सुबह 5:30 बात भी कर, चाची और मैं उठे हुए थे तो चाची ने कॉल कर दिया, बस हम दोनों अभी गप्पे लगाए, चाची चाय पी रही थी, फिर मेरा मूड हो गया चाय पीने का, मैंने कहा चलो चाय पी रहे थे, इन्होंने हाँ बोल दिया, चाय चाय पी दिया, अब दादी भी उठ रही है तो बस सब चाय पीते हैं, सुबह सुबह आज झाड़ू भी लग गया है क्योंकि अभी हम सो जाएंगे, ऐसा नहीं कि अभी हम उठे ही रहेंगे बट अभी सो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, तब करेंगे नाश्ता नुश्ता क्योंकि अभी पानी बहुत ठंडा हो रखा है, वैसे तो गर्म ही करते हैं हम पानी पर फिर भी, तो अभी चाय चुई पी के थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ा 5-10 आधा 1 घंटा फिर करेंगे काम। चप्पल कहाँ है तुम्हारी, ठंडे पाँव घूम रहे हो, नंगे पाँव, ये मैंने निकाला जानबूझ के, वो ठंडे हाथ लगा रहा था मैंने बाहर निकाल लिया, सारी जगह मेरी है, मैं लेटा ऐसे दिशांत दिशांत जो परसवार का था, वो भी सो रहा है, मैं था तो एक ही बैंड था पहले, ये देखो तो हमारी नींद खराब करके मस्त सो रहा है, अभी जस्ट हम सो गए थे चाय चुई पी के और अभी उठ रहे हैं, अभी 9:15 हो रही है तो अभी उठ रहे हैं, दादी पहले उठ गई थी, दूध दूध आया था ना तो दादी उठ गई थी, फिर दादी ने पानी वानी लगाया, अब दादी गई है नहाने के लिए, मैंने आटा वाटा गूंथ रखा है और झाड़ू पोछा सब हो गया है, झाड़ू तो पहले ही हो गया था, पोछा वगैरह भी हो गया है, बस अभी नाश्ता बनाएंगे, जब दादी मतलब आएगी बाहर नहा के तो नाश्ता बनाएंगे,
और ये वहाँ से भी उठ चुके हैं, बस पता नहीं क्या पिन आ रहा है सुधी। इसको ना उजाला चाहिए होता है, इसको उजाला चाहिए तब ये खेलता है, वरना पै पै करते। हाँ कर दिया उजाला, कर दिया। अभी दादी नहा के आएगी, फिर नाश्ता नाश्ता बनाऊंगी, तब तक उससे पहले मैं नहाने जाऊंगी, फिर मैं नहा के आऊँगी, फिर ये नहा के आएंगे, फिर नॉटी ने तो कल ही नहा लिया था रात को, तो अभी हमने क्योंकि आज दीसा वीसा की भेंट देना है तो इनको ज़बरदस्ती नहला रही कि भाई भेंट देनी है इसलिए नहाना पड़ेगा तुमको, तब ये उठाएंगे पहले दादी नहा जाएगी ना तब, तो फिर उसके बाद नाश्ता नाश्ता करेंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा आज नाश्ता करने में, तो नाश्ता नाश्ता करेंगे फिर तब जाके निपटेगा काम कुम। आज मेरा काम कुम तो निपट ही गया है, सब कुछ हो गया है, बस नाश्ता का वो है, नाश्ता करना है बस। तो अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पे दुकान पे, नहा लिया मैंने और रुमाल भेंट रखनी थी पर रुमाल ही नहीं है, एक भी रुमाल नहीं है, एक रुमाल है पर वो छोटे छोटे से है ना, फिर उनमें भेंट आएगी नहीं, तो मैंने कहा भी मार्च जाती हूँ, इनको बोला था ये तो जा नहीं रहे हैं, नहा रखा ना अभी, मैंने कहा छोड़ो जब तक इनको बोलूँगी ना तब तक तो मैं खुद जाके आ भी जाऊँगी, जब तक ये जाएंगे नहीं तो मैं जाती हूँ जरा ले आती हूँ रुमाल वुमाल, मुझे खाली आती वापस आना पड़ा, शॉप ही नहीं खुली हुई अभी कोई भी, वहाँ सब बंद है, 11:30 हो गई बताओ तुम, पता नहीं कितनी लेट खुली, हाँ पता नहीं बंद है आज, ये मंडे आज इसलिए बंद तो नहीं है, वो मंडे को होती है बंद पता नहीं, छोड़ो मैं एक काम करती हूँ थाली में निकाल के रख देती हूँ भीड़, बस बाद में जब हैंग के मतलब रुमाल लाएंगे तो उसमें फिर बांध देंगे है ना, तो नाश्ता कर लेते हैं, पहले मैं भीड़ निकाल देती हूँ, क्या हो पहले दादी को क्या क्या रखना है भीड़ में ना, दादी से छत में जा रही है पर आज धूप ही नहीं है, इसको लेके से जा रही है पर खास धूप नहीं आज, 101 भी रखना है कि 100 मतलब 100 ही रखना है, तो कतन 50 दे 100 ही रख देंगे, मतलब अच्छा हाथ से हाथ में जितना आएगा, अच्छा ठीक बस ना चौल और वो पैसा बस और बैग नहीं ना मैं निकाल दे चावल अब भेज दे दो मुझे, कहाँ करोगे मालिश ना आज, धूप तो है ऊपर करना है, टूक लो मुंडी सीधे करवाए बस बस बस, हाथ कहाँ है इसका, हाथ लगा भैया हाथ चुप दया, अच्छा तो कख लुक यूं त्यार हाथ रे कख लुक यूं त्यार हूँ ले इनका भी दोनों जजा नहीं हो लो तम यहाँ पर आता भी है ना, ये निकाल दी हमने भेंट, अब रुमाल लाएंगे तो बांधेंगे उसमें, अभी इसको ना फिलहाल यहाँ रख देते हैं और नाश्ता करते हैं, तैयार हो गई नाश्ता ही नहीं करे अभी तक बताओ तुम, अब वो रमा नाश्ता है तो नहाने में टाइम लग जाता था पूरा, उठ तो हम 6 बजे के तो फिर सो गए वापस वापस सो गए, ये अमेज़न का नहीं है लेकिन ये स्नेहा के नाम से है, अच्छा मेरा यही है तो पार्सल, अभी वो पार्सल वाले अंकल जी सीधे घर पे ही आ गए, उनको पता अरे अब हम पर्स अब हम वो बन चुके हैं नानी नमस्ते, अब हम उनके वो कस्टमर बन चुके हैं रेगुलर ना, तब मैंने कहा अरे अंकल जी मेरे भी अगर कोई पुराना था पूछे नहीं तो वही हाँ वो सीधे घर के आगे खड़े हो गए मैडम पार्सल, हाँ मैंने कहा अरे मैं थोड़ा आगे हूँ बस, हाँ हाँ आ जाएंगे बस, जो अच्छे कस्टमर होते तो उनके उनके लिए तो हम आ जाते हैं बस, जो चिड़चिड़ करते हैं उनके लिए नहीं आते कि हम, मैंने कहा मैंने कहा सही आप तो जाने लगे अपने आप ही घर आ जाते घर पे, इतने पार्सल मंगा रहे हैं आजकल हम 2-3 दिन से रोज पार्सल क्या है अबे ये फ्रॉक है दादी देखिए तेरे काम की चीज नहीं है, फ्रॉक है किसकी फ्रॉक है, मैंने भी अब इसकी बार इतनी सारी शॉपिंग करके ना ऑनलाइन मेरे खुद मैं बोल दूँ अभी भी 3-4 ऑर्डर आने बाकी है मेरे भाई, तुम्हें पहचान जाएगा एक पहचान मुझे तो पहचान चुका है वो भी आ जाते, ये अच्छे लग रहे अगर ये ना निकले तो मस्त लग रहे है ना, अच्छी है अरे ये दादी ने मंगाई थी उनके लिए, मेरे पे कैसे लगेगा बहुत सुंदर एकदम, इसलिए बनाई मंगाई है, अरे दादी गाँव में देना किसी को 4-5 साल की लड़की है अच्छी है ना, ऐसे एनिवर्सरी में लहंगा काय बना है फ्रॉक ही पहनाते, वैसे मैंने ना कितने कम से कम 14-15 साल मैंने फ्रॉक ही पहनी सिर्फ स्कूल की ड्रेस, और दादी देख रहे दादी अपनी वो कर रही है मैं अपना,
मेरे ये टाइट हो रहा है, पिछले कितने साल, 2 साल पहले कहना है, और टाइट हो रहा है मेरे पे यार, मेरे को सिलाई उधाड़नी पड़ रही है यहाँ से। और दादी अपना लगी है, मैं अपना लग रही हूँ, और वो खून खून कर रहा है अंदर, रो तो नहीं रहा पर खून खून कर रहा हो, अभी स्टार्ट कर रहा हो रोना। बल अंधेरा और कहना एक तो तब कर रहा हो। रुक जा, लाइट जला रही खेल लिया अब। हाँ तो हम इसको ना बिक्की को रोज रात को खिला के भगा देते, चल निकल यहाँ से, गेट आउट, क्योंकि यहाँ नेट नहीं है ना, तो ये फिर पढ़ने के लिए इसको नेट चाहिए होता, तो फिर बुआ का वाईफाई से पढ़ते। गेट आउट, गेट आउट, भगल यहाँ से, चल निकल। आ रही भाई, रुक जा जरा, इसको भेज के। हाँ